आज दिल की बात करेंगे। मैं अपनी एक्स बॉयफ्रेंड का नंबर यूज करने वाली हूँ। मैं जिस नंबर पे कॉल करी हूँ वो एक मेंटल असाइलम का नंबर है। 1915 का वो मेंटल असाइलम था। देखा मेरा गूज़बम्स, देखो मैं आपको गूज़बम्स दिखा रही हूँ। बात करेंगे। हेलो गुड, ये तो ना गुड मॉर्निंग होगा ना गुड नाइट होगा, तो क्या होगा? भूतिया आवर में आपका स्वागत है। आप देख ही सकते हो मैंने ये व्हाइट कंकाल छाप टी शर्ट को पहना है क्योंकि मुझे लगा अगर भूत मुझे पकड़ने आएगा तो मैं उसको बोल दूंगी भैया बहना पकड़ो मत, मैं तुम्हारी टीम में हूँ, मैं तुमको ही प्रमोट कर रही हूँ, फेमस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सो प्लीज कोऑपरेट, कोलैबोरेशन कर रही हूँ मैं आपके साथ। अगर आपने मेरी पहला भूतिया 3M चैलेंज को नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। उसको मैंने काफी टाइम पहले पोस्ट किया था जहाँ पर मैंने आपको मिलाया था मेरी प्यारी प्यारी बहन ब्लडी मेरी से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे ना, और मेरी बहन थोड़ी सी ऑब्सेस्ड है अपने आप को लेके, तो हो सकता है कि आपके घर तक पहुंच जाए आपसे मिलने के लिए, आपको वीडियो दिखाने के लिए, तो देख लेना। हाँ, अगर फूड चैलेंज छोड़ के मेरे पास किसी वीडियो का रिक्वेस्ट आया था वो था कॉलिंग स्केरी नंबर्स एट 3 AM। मतलब क्यों भाई क्यों? मारो मुझे, मारो। क्यों चाहते हो मैं रात के 3 बजे बैठ के भूत को कॉल करूं? डेट पे जाना है आपको भूत के साथ। मैंने इस टॉपिक पे बहुत रिसर्च किया है, काफी सारे वीडियोस बन चुका है ऑलरेडी ये डिफरेंट स्केरी नंबर्स के ऊपर। फॉरेन में, इंडिया में भी काफी सारे वीडियोस बन चुका है। एंड आई वाज लिटरली टेरिफाइड, भूत से नहीं, इस सोच के साथ कि अगर मानो इस नंबर के पीछे कोई गलत इंसान है, इट इज वेरी डेंजरस। तो मैं डेफिनेटली ये वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि प्लीज डू नॉट ट्राई ऑल दिस नंबर्स। अगर आप ट्राई करते हो इट इज ऑन योर ओन रिस्क, बट पर्सनली मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी। मोमबत्ती जलाया है क्योंकि मैंने अंकुर कश्यप की व्लॉग्स देखी है। प्योर टाइम पे ना आपको हमेशा एक मोमबत्ती जलानी चाहिए क्योंकि फायर इज प्योर। सिलसिला ये दिया का ना तुम बुझने देना ओ भूतिया। बहुत टेंस अप थी कि मैं अपने मोबाइल से कैसे ये नंबर्स पे कॉल करूँ। मेरे दिमाग में एक बहुत ही गंदा और खुरापाती आइडिया आया जो आपको मैं बिल्कुल कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी। मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नंबर यूज करने वाली हूँ। अभी आपको लगेगा कि मैं एक्स का नंबर कैसे यूज करी, वो इसलिए मेरे पास एक फोन नंबर था जिस वो नंबर मेरे एक्स के नाम पे ही था। मेरे पास वो नंबर रह गया था पर मैंने उसको कभी यूज नहीं किया, ऑब्वियसली कैसे करती। फिर मैंने जब ये वीडियो का डिसाइड किया तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक्स के नंबर से करूँ, भूत पकड़ेगा तो उसी को ही पकड़ेगा। वाह रे वाह, भूत से किसी और की तबला बजाना, इसे ही कहते हैं। पहला जो नंबर मैं डायल करने वाली हूँ गाइस वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोग्रामर का नंबर था। कहा गया था है कि उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक प्रोजेक्ट दिया गया था। दैट प्रोजेक्ट वॉज सो प्रेशराइजिंग था कि वो जो प्रोग्रामर था उसका दिमाग ही खराब हो गया। He then locked himself in his bedroom and stated it was a national crisis of life or death for the entire human race. His family started to worry about him after days without contact. They finally went to his house. प्रोग्रामर को मिलने गया कि उसका हालत क्या है कि ये वॉइस मेल मिला उसके नंबर पे जहाँ पर वो ये बाइनरी नंबर्स को रिपीट कर रहा है फ्रेनेटिकली। अभी तक ये नंबर सुना जा सकता है उसके नंबर पे कॉल करने से एज अ वॉइस मेल। रात के 3 बजे कौन जा रहा है भाई? किसको मुजरा करने का मन करता है रात के 3 बजे? मुझे मन करता है, इसलिए मैं ऐसे नंबर को फोन करके मुजरा कर रही हूँ। तो नंबर है गाइस ये नॉर्थ कैरोलिना का नंबर है। मैं प्लीज भगवान भूत के पास पासपोर्ट ना हो प्लीज। हाँ 001 डाल के करना पड़ेगा, ठीक है? टिकोट डाला है 001 मैंने निकाला है। आपने আপনার পর্যাপ্ত ব্যালেন্স নেই। কাজই করার জন্য আচ্ছা তাই ভূতের পেছনে নাকি 500 টাকা ইনভেস্ট করছি আইস ডিকল্ড করার জন্য। अभी अगर भूत ने फोन नहीं उठाया ना माँ कसम, भूत का 5 दिन और मेरा बस 1 दिन ही काफी होगा, बताती हूँ। I'm सच में scared। मेरा पूरा आप देखो, हमको मैं दिखा रही हूँ, देखा मेरा goosebumps देखो, मैं आपको goosebumps दिखा रही हूँ। I was not expecting this at all, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नंबर पे फिर से एक बार कॉल करूँगी एंड मैं ना इस मोबाइल पे जो कोड है व्हाट्सएप में वो कोड को रिकॉर्ड करूँगी, फिर हम लोग स्क्रीन पे जाके कंप्यूटर में देखेंगे कि वो कोड जो है व्हाट इज़ दैट कोड। म्यूट कर दिया है, कोई कॉल किसी ने डिस्कनेक्ट नहीं किया है आज, म्यूटेड इट। वो जो बाइनरी कोड्स आपको सुनाई देता है ना, उनको जब आप कन्वर्ट करते हो इट एक्चुअली कन्वर्ट्स टू द वर्ड डेथ। मतलब इस नंबर पे कॉल करने के बाद अगर मैं उलट गई तो समझ लेना ये नंबर ही जिम्मेदार है, ठीक है? ओके। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। आई स्वेर আমি কোঙ্কাল মার্কা टी शर्ट কেন পরেছি? शिवजी आकाश टी शर्ट पड़ा उचित छिलो ताले काजे दी तो होपलेस। तो अभी हम लोग करेंगे दूसरा नंबर को ट्राई। नेक्स्ट जिस नंबर को हम लोग ट्रायल करेंगे वो एक और भी बहुत ज़्यादा क्रीपी नंबर है। इसके पीछे एक कहानी है। एक आदमी था जो सेलिंग के लिए जाना चाहता था पर बहुत ज़्यादा उसको रोका गया कि तुम सेलिंग के लिए मत जाओ, पर वो किसी का नहीं सुना, वो सेलिंग के लिए समुद्र में निकल गया। और प्रॉब्लम ये था कि उसके पास प्रॉपर नेविगेशनल जो इक्विपमेंट होता है जो सेल करने के लिए ज़रूरत होता है वो था नहीं। अभी कुछ दिन बाद उसके मम्मी के पास एक फ़ोन आया उस आदमी का। आदमी मतलब फ़ोन पर बहुत ज़्यादा रो रहा था, चिल्ला रहा था। He was like really scared and he was crying like anything. Months later, his phone was found washed up on the shore with his boat, and the man had disappeared, and no one had any idea what had happened to him. उसका जो फोन है ना, उसका जो नंबर है अभी तक एक्टिव है, जबकि वो डीएक्टिवेट होना चाहिए। Let's call. This is so scary. नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। I think it's a foreign number. The number dial करते हैं। What just happened? देख रहे हो, जस्ट लुक एट इट। ब्लडी मैरी चैलेंज किया था ना, उसमें भी मुझे इतना डर कभी नहीं लगा था गाइस जितना मुझे इसमें लगा। मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये नंबर्स को ट्राई करो, पर अगर आप करते हो तो आप ट्राई करके देख सकते हो। दिस इज सो फ्रिकिंग स्केरी। कौन था आदमी, क्यों रो रहा था? और आप सुना, जब वो आदमी रो रहा था ऐसा एक शोर भी हुआ ना, जैसे उसकी तरफ कुछ खी करके तो मतलब इराटिक टाइप का साउंड गया ना। आई जस्ट डोंट नो, आज गलत हुआ तो मुझे ज़िंदगी में कोई आइडिया नहीं था ऐसा टाइप का कुछ भी हो सकता है गाइस। आई स्वेयर मुझे पहली बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहा है। मुझे पता नहीं मैं इसको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कहूँ कि क्या कहूँ, बट दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन विद साइंस। नंबर को मैं डायल करूँगी। इट इज़ सपोज टू बी अ रेड रूम नंबर, यानी इस नंबर पे कॉल करने से कोई भी आपकी पोजीशन, आपकी एड्रेस, आपका हर चीज़ ट्रैक कर सकता है। एंड दे कैन किडनैप यू, दे कैन लिटरली टॉर्चर यू, दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू। एंड लेट्स ट्राई इट आउट। ट्राई करते फिर से सारे नंबर्स को आपको आईएसडी से ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। आई डोंट नो व्हाट द हेक हैपेंड गाइस, व्हाट इज दैट? इसमें लिखा है कि यू हियर अ रिकॉर्डिंग ऑफ डिमोनिक वॉइस, Someone saying all is well that ends well. Yes, मैंने सुना. And a spooky music box. It's got to be connected to something, right? आपने सुना guys? So creepy. पर मैंने ISD में कॉल किया ना, उधर से आके मुझे किडनैप करने में काफी पैसा लग जाएगा। बोलो इतना पैसा खर्च करके आपको क्या लगता है? कमेंट करना। हाँ, मुझे डर लग रहा है फिलहाल। जिस नंबर को मैं कॉल करूंगी, दिस इज अनदर स्कैरी नंबर। इस नंबर पे जब भी किसी इंसान ने कॉल किया है, दे हियर अ पेट्रीफाइंग वॉइस, मतलब एक श्रील वॉइस उनको सुनने को मिलता है। वन कैन हियर सेवरल थिंग्स व्हेन ही ट्राइज इट हिमसेल्फ। अ मैन काउंटिंग एंड रिपीटिंग नंबर 1, 3 and 7, फॉलोइंग बाय अ साउंड ऑफ समवन कॉलिंग आउट योर नेम एंड व्हाट एक्टिविटी यू आर डूइंग ड्यूरिंग द कॉलिंग सेशन, एंड दे आर फॉलोइंग योर एवरी मूव। व्हाट द एफ? ट्राई करती हूँ। दिस इज वेरी क्रीपी। Hello. Please state your name after the tone, and Google Voice will try to connect you. मैं क्यों बोलूँ अपना नाम? एक गलत शलत नाम बोल के देखूँ। क्या नाम बोलूँ? Mary, bloody Mary. Please state your name after the tone, and Google Voice will try to connect you. Mary. आप सुना, किसी ने नंबर बोला 1, 3, 7, 1, 3, 7 कुछ बोला ना, और आवाज़ सुनो उस आदमी का कैसा था, जैसे कुछ ब्रेक होके आ रहा था, फिर कितना क्लियर और ग्रोगी टाइप का था, और कैसा म्यूजिक था ये, साइलेंट हिल जैसा। मुझे इस वीडियो में मिनिमम 20,000 लाइक नहीं दिया ना, मैं कट्टी कर दूंगी आपके साथ। One seems to work only in United States. No, it works from India also. I just try it, dude. This is freaking scary. हद है। भूत और मैथमेटिशियन। नेक्स्ट नंबर जो मैं कॉल करूंगी, विच इज सपोज टू बी द डेवल्स नंबर, क्योंकि ये नंबर पे हर किसी ने, ऑलमोस्ट एवरी वन ट्राइड दिस नंबर, सो आई वॉन्ट टू ट्राई दिस एज वेल। You have dialed is invalid. Please check the number you have dialed. लगता है डेविल ने एड्रेस बदल दिया है, ये नंबर को चेंज कर लिया है। Probably he was disturbed a lot by telecallers. तो आई थिंक आज के लिए मैंने काफ़ी सारे नंबर्स को ट्राई कर लिया है। इससे ज़्यादा मैं नंबर ट्राई आज के दिन के लिए तो नहीं करना चाहती। अगर मुझे इस वीडियो में मिनिमम 20 के लाइक मिल जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, तब मैं सोचूंगी फिर से मैं करूँगी कि नहीं करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए मैं मेहनत करती हूँ। आप ही के रिक्वेस्ट को हमेशा मैं फॉलोअप करने की कोशिश करती हूँ, नो डाउट। और मैं आपसे मिलूँगी नए वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय। भूतिया रात्रि।